करण जी को मैं नरेट करने गया था, उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे अदर दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी। जब मैंने करण को कास्ट किया, पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया, क्योंकि वो रोल जानते थे। उन्होंने कहा, दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम्बाटा। ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला। आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाय द वे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, कारण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए। हाँ, ये दिस फिल्म स्टार्ट्स इन द 50s एंड 60s। ऑफ कोर्स सुपरफिशियल रेफरेंसेस तो बहुत थे। ही वांटेड टू यू नो रेफर टू रॉबर्ट डिनेरो फ्रॉम रेजिंग बुल, बैक होम किशोर कुमार, राज कपूर, बट दोज़ वर जस्ट सुपरफिशियल रेफरेंसेस। जहाँ प्रिपरेशन की बात है, आई थिंक द एंटायर टेक्निकल साइड ऑफ बॉम्बे वेलवेट डिड सो मच ऑफ रिसर्च फॉर 8 years। जहाँ सेट्स की बात है, जहाँ सिनेमाटोग्राफी है, you know, if you see the making also, a lot of work has gone. So when three of us came on set, it was very easy for us because we were transported into this world of 50s. We came in hair, costume, wardrobe, and it just felt like it. Jo trams banaye the, you know, the junior artists, intricate details like jo Bombay Velvet mein jo plates the, napkins tha, Rosie ka jo green room tha, usme the small, small properties. I think a lot of detailing has gone by the technical side, and I think all the research work, all the preparation that an actor should do was done by them. So I think that really helped us a lot. मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, but I think in a fun way मोहब्बत है एक बीमारी, because आप बीमार पड़ जाते हो, you're just in that state. तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है, because you cannot come out of that state. तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी। अनुष्का, you want to? I agree with him, लेकिन कभी-कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी तबीयत क्या पूछा ओरिजिनल जवाब खराब होती है। You know, अच्छा भी लगता है कभी जब तबीयत खराब होती है, you can relax, आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज्यादा कुछ करने को नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे किरदार के लिए, वो थोड़ा काफी ह्यूमरस भी है और इंट्रीगिंग भी। ह्यूमरस क्योंकि मैं कोई मोगैम्बो टाइप ऑफ विलन नहीं हूँ इस पिक्चर में। ये कोई एक सर्टन काइंड ऑफ, जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ऑल्टर्ड है, वो उस किस्म की मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो अनुराग ने कंसीव किया। तो मुझे पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे, और जब मैंने पहली बार सुना तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जब अनुराग आए थे मेरे ऑफिस तो एक्चुअली वो जब नरेट कर रहे थे फिल्म, आई तो वो मेरी फीडबैक के लिए नरेट कर रहे थे। हाफ वे थ्रू द फिल्म मैं सोचा था कि शायद मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत से आए हैं, एज ए व्हाट हैसियत। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेशन मैंने सुना और मैंने रिएक्ट किया, मुझे कमाल का लगा इनका जो स्क्रीन प्ले था। तो उन्होंने कहा कि विल यू प्ले खम्बाटा, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे कभी किसी ने फुल फ्लेज्ड पार्ट कभी ऑफर किया नहीं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है। देन ही टोल्ड मी नसीरुद्दीन शाह वाज इन द रनिंग फॉर दिस रोल। तो मेरी और भी, मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। तो उसके बाद, क्योंकि टू बी कंपेयर्ड ऑन द टू बी इन द रनिंग फॉर अ रोल दैट नसीरुद्दीन शाह, वो एडेड प्रेशर था। द ओनली रीजन आई रियली थॉट आई डू इट, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि लाइफ में मुझे कोई विलेन का रोल कभी ऑफर नहीं करेगा एज एन एक्टर, एंड फिल आई गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग डायरेक्टेड बाय अनुराग एंड वर्किंग विथ रणबीर।